नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में लगभग 23 जिले हर वर्ष बाढ़ से डूब जाते हैं। अब इस स्थिति में बिहार को बाढ़ से निजात पाना बड़ा ही मुश्किल साबित हो रहा है। आपको बता दें, लगातार गंगा हो या गंडक हो या बूढ़ी गंडक हो, कोसी हो, सभी नदियां उफान पर हैं और बिहार के कई हिस्से अभी बाढ़ में डूब गए हैं और जलमग्न हो गए हैं। पटना में भी जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। दो दिन पहले भी उन्होंने छपरा का दौरा किया था। एक बार फिर से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने क्षेत्र निकले हैं, राघोपुर का दौरा करने नाव से निकले हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के बारे में लगातार ये खबर चर्चा में आती है कि तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। पिछले बार भी जब वो अपने क्षेत्र गए थे तो सत्ता पक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया था, ये बातें कही जा रही थी। तेजस्वी यादव वहाँ से कई बार विधायक चुने गए हैं, उनके पिता का क्षेत्र है, उनकी माता का क्षेत्र है। तेजस्वी यादव की पार्टी वहाँ से जीतती आई है, लेकिन वहाँ सड़क तक नहीं है। तेजस्वी यादव को आज भी नाव से जाना पड़ रहा है। लगातार तेजस्वी यादव जब भी बिहार आते हैं तो ये चर्चा आम हो जाती है कि वो बाढ़ और तमाम समस्याओं को लेकर जब बिहार जूझ रहा होता है तो वो दिल्ली में होते हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र का दौरा करने निकले हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए एक नया संदेश दिया है कि वो बिहार आने के साथ साथ कार्य भी करते हैं। लगातार तेजस्वी यादव को लेकर तमाम तरह की बातें बिहार में निकलकर सामने आती रहती हैं। राजद में अभी आंतरिक कलह है, इस बात को भी माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच का विवाद है, अभी जगदानंद सिंह कई दिनों से पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटे हैं और अब वो अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकल चुके हैं। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव नाव से अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में बिहार में बाढ़ की जो स्थिति है वो क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी।
स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों व प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। यह दिन हर भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। पुनः स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।